नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। बात करते हैं आजम खान की। भले ही समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई हो, लेकिन आजम खान आज की तारीख में यूपी में सबसे हॉट आइटम हो चुके हैं। उन्हें एक तरीके से आप कहें तो यूपी की सियासत के किंग खान बन चुके हैं। हर पार्टी उन्हें प्यार कर रही है, सिवाय कहा जा रहा है अखिलेश यादव को छोड़। अब देखिए ना, बीजेपी के नेता भी उनकी खूब तारीफ कह रहे हैं आजम खान के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है। सांसद हैं बीजेपी के, लोकसभा के ब्रजभूषण शरण सिंह, और यूपी सरकार में मंत्री हैं दया शंकर सिंह। दोनों को आजम खान अचानक से अच्छे लगने लगे। वही आजम खान जो बीजेपी को पानी पी पी कर कोसा करते थे, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि आजम खान बीजेपी में जा सकते हैं? जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं आजम खान को लेकर, तो वैसे भी कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहाँ ना तो कोई पक्का दोस्त होता है ना ही कोई पक्का दुश्मन। तो क्या आजम खान बीजेपी में जा रहे हैं? ऐसा होने वाला तो नहीं है फिलहाल, लेकिन हम चर्चा आजम खान की इसीलिए कर रहे हैं कि अभी तक जो ये बातें कही जा रही थी कि आजम खान के समर्थक अखिलेश यादव से नाराज हैं, अब तो ऐसा लगने लगा है कि नहीं भाई, समर्थक नहीं, आजम खान के कैंप के लोग नहीं, खुद आजम खान ही अखिलेश यादव से नाराज है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अखिलेश यादव को जो आजकल खूब भला बुरा कह रहे हैं, उनके चचा शिवपाल यादव, उनसे तो वो मिल ले, उनसे उन्होंने दिल खोलकर मन की बातें की। और जब समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक रविदास मेहरोत्रा पार्टी की तरफ से आजम खान से मिलने जाते हैं, तो आजम खान ने उन्हें घंटे भर बाहर ही रखा और मिलने से मना कर दिया। अब इसका क्या मैसेज है? साफ है कि आजम खान का मन समाजवादी पार्टी में लग नहीं रहा है, उनका मन अखिलेश यादव से टूट गया है। उन्होंने खुलेआम अब ये बात कह दी है कि भाई अखिलेश से अब वो वाली बात नहीं रही। बात यही तक नहीं है, बात तो मुलायम सिंह यादव तक चली गई है। सुनिए ना, आपने शिवपाल यादव ने क्या कहा था जब वो आजम खान से मिलकर निकले थे, तो उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह यादव ने भी अच्छा नहीं किया, अगर वो चाहते तो लोकसभा में जब आजम खान लोकसभा के सदस्य थे तो उनके लिए वहाँ पर सदन में बात उठा सकते थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सम्मान करते हैं, और वो अगर प्रधानमंत्री को कुछ कहे होते तो उनकी बात सुनी गई होती और आजम खान को कुछ राहत मिल जाती। वही आजम खान जो पिछले दो साल से, ढाई साल से कह लें कि जेल में बंद है। अब अगर आजम खान से कांग्रेस के नेता मिल लेते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण, जो आजकल अशोक गहलोत से नाराज चल रहे हैं राजस्थान की राजनीति में, और सचिन पायलट से थोड़े करीबी हो गए हैं, उन्होंने भी उनके लिए खूब तारीफें की, तो कांग्रेस के नेता भी मिल लेते हैं आजम खान से, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक से मिलने से मना कर दिया। इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी में आजम खान के दिन अब गिने चुने रह गए हैं? क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा है, जैसा कहा जा रहा है कुछ हलकों में, कि हो सकता है कि आजम खान की ईद इस बार जेल में नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ मने? और अगर ऐसा हुआ, आजम खान जेल से बाहर आए, तो क्या आजम खान जो हैं वो कांग्रेस की तरफ रास्ता कर सकते हैं? जिस तरीके से आज उन्होंने प्रमोद कृष्णम से मुलाकात की, कांग्रेस के नेता इमरान प्रताप गढ़ी उनकी तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस के कई नेता उनसे जाकर रामपुर में उनके परिवार से मिले भी थे, भले ही समाजवादी पार्टी ने आजम खान के समर्थन में धरना प्रदर्शन और आंदोलन ना किया हो, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने ज़रूर रामपुर में ऐसे धरने प्रदर्शन और आंदोलन किए। तो क्या एक तरीके से मान लिया जाए कि आजम खान का अब समाजवादी पार्टी में एक तरीके से उनका चैप्टर क्लोज हो रहा है? वही आजम खान, याद करिए, अब अगर आजम खान समाजवादी पार्टी से जाते हैं, अखिलेश यादव से उनका मोह भंग हो गया है, जो कहा भी जा रहा है, क्या क्या नहीं कहा था उनके समर्थकों ने जब 10 अप्रैल को रामपुर में बैठक हुई थी, तब आजम खान के लोगों ने कहा था कि अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ गद्दारी की, उनको बलि का बकरा बनाया, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, कोई उनसे मिलने नहीं गया, किसी ने उनकी पैरवी नहीं की, समाजवादी पार्टी ने आजम खान के लिए कोई आंदोलन नहीं किया। आपको एक बात और बताता हूँ, आजम खान जेल क्यों गए? भाई सरकार तो यूपी में बीजेपी की 2017 में ही बन गई थी, लेकिन तब तो वो जेल नहीं गए। वो जेल कब जाते हैं? वो जेल जाते हैं आपको 2020 में, उन पर मुकदमा जो होता है वो 2019 में होता, वो तब हुआ, याद करिए, 2019 में लोकसभा का चुनाव था, आजम खान रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब
समाजवादी पार्टी बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन था। अखिलेश यादव मायावती साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तो सबको लग रहा था कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटों पर यह गठबंधन बीजेपी के मुकाबले बहुत अच्छा कर जाएगी। ऐसा हुआ नहीं। और उसी दौरान आजम खान ने वहां रामपुर के कलेक्टर के बारे में बहुत कुछ कहा था। वो आंजनेय सिंह हैं, जो सिक्किम काडर के आईएएस अधिकारी हैं और यूपी में इन दिनों डेपुटेशन पर आए हुए हैं। और उसी के बाद ताबड़तोड़ जब रिजल्ट आए, उसके बाद ताबड़तोड़ उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए और फिर जो वो जेल गए सो अब तक जेल में ही है। हालांकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, जो खुद भी विधायक हैं, और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, ये दोनों जेल गए थे, लेकिन ये बाद में जमानत पर छूटकर बाहर आ गए। अब कहानी ये बनती है, लोग ये जानना चाहते हैं, ये रोज़ कोई ना कोई आजम खान से मिलने सीतापुर की जेल चला जाता है, कोई उनके समर्थन में आ जाता है, शिवपाल यादव आ जाते हैं, बीजेपी के नेता आ जाते हैं, कांग्रेस के नेता आ जाते हैं, बीएसपी के कुछ नेताओं ने भी आजम खान की तारीफ की है। तो भाई आजम खान के लिए तो हर तरफ के रास्ते खुले हुए, क्या वो बीएसपी जाएंगे, क्या वो कांग्रेस जाएंगे, बीजेपी भी जाने की कुछ बात कह रहे हैं लोग। बीजेपी जाना तो हो नहीं सकता, मैं ये मानता हूँ, हालांकि राजनीति अलग किस्म की होती है, लेकिन जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि उसमें आजम खान और अखिलेश यादव के रास्ते अब कमोबेश अलग हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आजम खान अपने समर्थकों के साथ निकलकर एक पार्टी बनाएंगे और एक अलग मोर्चा भी बना सकते हैं। पहले ये भी बात थी कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी उन्हें अपनी पार्टी में आने का न्योता दिया था। क्या आजम खान ओवैसी के साथ जा सकते हैं? अब तक ऐसे संकेत मिल नहीं रहे हैं। ओवैसी चाहते हैं कि आजम खान उनके साथ आएं। अब आजम खान को भी तय करना होगा कि वो क्या करेंगे। ये हो सकता है कि वो अपनी पार्टी बना लें, कुछ दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लें, ये फिलहाल मुमकिन लग रहा है। और अभी तक जो उनके समर्थक बता रहे हैं वो ऐसा ही बता रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या अगले लोकसभा चुनाव में यानी 2024 में नुकसान अखिलेश यादव को होगा? क्योंकि मान लीजिए आजम खान सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे हैं समाजवादी पार्टी में, तो कोई अगर छोड़ता है आजम खान, पार्टी छोड़ते हैं, तो क्या नफा नुकसान हो सकता है? अखिलेश यादव का ये मानना है और उनके जो कैंप के लोग हैं, उनके करीबी लोगों का, कि आजम खान चले जाए क्या फ़र्क पड़ता है जी? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतने सारे मुस्लिम नेताओं ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मुसलमान एक मुश्त अपना वोट जो है समाजवादी पार्टी को ही देगा, जैसा पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ यानी 2022 के, वैसा ही 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा। पर क्या ये सच है? चुनाव दर चुनाव मुसलमान अपना प्रेफरेंस जो है वो बदलता रहता है। जो समाजवादी पार्टी ये क्लेम करती है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी रहनुमाई उसी के पास है, आप याद करिए 2009 का लोकसभा चुनाव, जब कल्याण सिंह के साथ मुलायम सिंह यादव ने दोस्ती कर ली थी और उसके बाद जब विरोध किया आजम खान ने तो उन्हें समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिया गया। ये कल्याण और मुलायम सिंह की दोस्ती कराई थी अमर सिंह ने, और आजम खान को समाजवादी पार्टी से बाहर जाना पड़ा। वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हुआ करते थे। और देखिए आजम खान ने जो तब विरोध किया तो उसका फायदा कांग्रेस को हो गया। कांग्रेस ने लोकसभा की 21 सीटें जीत ली और समाजवादी पार्टी को बहुत भारी नुकसान हुआ। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं अखिलेश यादव के करीबी कि 2009 में क्या हुआ था लोकसभा चुनाव में, कि आजम खान ने जयाप्रदा का विरोध किया रामपुर में, लेकिन फिर भी रामपुर में जयाप्रदा जीत गई। अगर आजम खान इतने ही बड़े नेता थे तो क्यों नहीं जयाप्रदा को हरा लिए? एक ये भी तर्क दिया जा रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है, और ये लोग जानते भी हैं, आंकड़े भी बताते हैं, कि कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत पार्टी नहीं थी कि वो 21-22 सीटें 2009 के लोकसभा में जीत लेती। चूंकि कल्याण सिंह के साथ मुलायम सिंह यादव ने समझौता कर लिया, दोस्ती कर ली, और आजम खान ने इसका विरोध कर दिया, और इसीलिए नुकसान हो गया समाजवादी पार्टी को। मुलायम सिंह यादव ने इस बात को समझ लिया, इसीलिए लोकसभा चुनाव खत्म होते ही उन्होंने अमर सिंह को बाहर कर दिया पार्टी से और वापस बुला लिया किसको, आजम खान को अपने पार्टी में बुला लिया, गले लगा लिया अपना भाई मानते हुए। तो आजम खान अगर निकलते हैं अखिलेश यादव से की पार्टी से, उनका हाथ छोड़ते हैं, तो क्या 2024 अखिलेश यादव के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है? क्योंकि तब आजम खान के साथ मुस्लिम वोटरों का एक समूह भी जा सकता है, और ऐसा हुआ तो उस हालात में नफा किसका होगा और नुकसान किसका, आप खुद भी सोच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में ऑफ द रिकॉर्ड के फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।